Hello friend, this is Jyoti from Foodie Unit. Today I am showing you how to make crispy tasty mushroom pakoda. मशरूम के पकौड़ों के लिए यहाँ पे लेंगे हम 250 ग्राम मशरूम। मशरूम को अच्छी तरह से दो बार धो लेंगे। ये छोटे मशरूम है इसलिए हम इन्हें दो भागों में कट करेंगे। बड़े मशरूम अगर आपके हैं तो चार भागों में काटिए। अब तैयारी करते हैं पकौड़े के बैटर की, जिसके लिए यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल। बाउल में डालेंगे आधा कटोरी बेसन, लगभग 4 चम्मच बेसन। उस पर 1 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा पकौड़े को क्रिस्पी रखेगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 8 से 10 कूटा हुआ काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सभी सामग्रियों को हम अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। घोल परफेक्ट होना चाहिए, पतला होने पर मशरूम से बह जाएगा, मोटा होने पर मशरूम पे कोटिंग नहीं होगी, इसलिए परफेक्ट घोल बनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करके परफेक्ट घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार हो जाने पर इसे हम अच्छी तरह फेंट देंगे, जिससे इस पर कोई लम्स ना रहे। घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए मशरूमों को डालकर अच्छी तरह बेसन की कोटिंग कर देंगे। कोई भी मशरूम का टुकड़ा छूटना नहीं चाहिए। गर्मा गर्म मशरूम के पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं मशरूम के पकौड़े। बेसन में मशरूम की कोटिंग अच्छी तरह हो जाने के बाद इसे हम करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट। इसे अभी हम फ्राई नहीं करेंगे, इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। आफ्टर 15 से 20 मिनट बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने पैन पे ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम हो चुका है। स्पून की हेल्प से एक एक मशरूम को हम पैन पे डालेंगे। इसी तरह पूरे मशरूम को हम पैन पे डाल देंगे। मशरूम को पैन में डालते वक्त तक लो फ्लेम में रखना है। मशरूम पूरी तरह जब पैन में आ जाए उसके बाद हाई फ्लेम करना है। यहाँ पे आपको केयरफुली मशरूम के पकौड़े फ्राई करना है। मशरूम गरम ऑयल पे जाने के बाद पानी छोड़ता है और इसका पानी और छींटे बाहर आते हैं, इसलिए आपको केयरफुली फ्राई करना है। हाई फ्लेम में मशरूम एक तरफ से अच्छी तरह से तल चुके हैं, इसे हम चम्मच से दूसरी तरफ मोड़ देंगे और ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। जब आप यह कर रहे हैं तब गैस की फ्लेम को लो कर लें, जिससे छींटे आपके पास नहीं आए। मशरूम को फ्राई करने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। ये 10 मिनट बाद बहुत अच्छे क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो जाते हैं। मशरूम को लगातार यूं ही हाई और लो फ्लेम में पकाते रहें। दस मिनट बाद मशरूम के पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। मशरूम को निकालने के बाद इन्हें हम टिश्यू पेपर पे रखेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर ले। सभी मशरूम पैन से बाहर आ चुके हैं। गर्मा गर्म इन्हें हम ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। लाइक करिए, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।